पृथ्वी। हाँ, सही सुना आपने, पृथ्वी, जिसे हम ना जाने कितने नामों से पुकारते हैं, कभी धरती माँ, कभी पृथ्वी माँ और कभी धरा। बिल्कुल हम सब अपनी माँ की तरह। माँ को भी तो हम बहुत से नामों से बुलाते हैं, माँ, अम्मा, मम्मी, मॉम और ना जाने कितने प्यार के नाम। और बुलाना भी चाहिए, क्योंकि माँ निस्वार्थ भाव से अथाह प्रेम जो करती है अपने बच्चों से, 9 माह तक अपने गर्भ में अपने बच्चे को संभाल कर रखती है। उसकी ज़िंदगी में बच्चे आ जाने के बाद और सभी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं, क्योंकि हम उसके लिए सब कुछ हो जाते हैं, उसकी पूरी दुनिया हम बन जाते हैं। हमारे बिना कहे वो हमारी सारी बातें समझ लेती है और हमारी सारी खुशियों को पूरा करने के लिए वो भरपूर कोशिश भी करती है, चाहे उसमें उसे कितने भी दुख सहने पड़े। और हम भी पूरे अधिकार से अपनी नई नई ख्वाहिशें उसके समक्ष रखते रहते हैं और हमारी माँ सहज भाव से उसे स्वीकारती है। लेकिन हमारी ख्वाहिशें हैं कभी ख़त्म ही नहीं होती, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन कभी हमने सोचा, हमने अपने अधिकार का प्रयोग तो कर लिया, परंतु माँ के प्रति कर्तव्य भूल गए, जो निस्वार्थ भाव से हमको सब कुछ देती है। वो भी थक जाती होगी, हमारी वजह से वो भी दुखी होती होगी, उसकी भी कुछ चाहते होंगी, हमसे भी उसकी बहुत सी उम्मीदें होंगी कि हम उसका पूरा ध्यान रखें, उसकी ज़रूरतों को जानें। जब वो बिना कहे हम सबकी बातें समझ जाती है तो हम क्यों नहीं। लेकिन हाँ, जब हम अपनी माँ को ज़्यादा परेशान करते हैं तो वो नाराज़ भी होती है, कभी कभी इतना नाराज़ हो जाती है कि हमें मनाना पड़ता है। सही भी है, जब हमारा कोई इतना ज़्यादा ध्यान रखता है तो हमें तो उसका ध्यान और अधिक रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसी ही हमारी पृथ्वी भी है। हाँ, पृथ्वी माँ, माँ शायद इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी बिल्कुल माँ के समान है, हमारी अपनी माँ के समान। कितना कुछ देती है, शायद सब कुछ, पर हम लोग क्या देते हैं, सिर्फ अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के चक्कर में कष्ट ही देते हैं। और वो हमसे कुछ नहीं कहती, सिर्फ सहती रहती है। हमारी हरी भरी पृथ्वी कितनी सुंदर लगती है, परंतु अपने ऐशो आराम के चक्कर में हमने उसकी खूबसूरती को ही खराब कर दिया है और लगातार खराब करते भी जा रहे हैं। परंतु कब तक, हाँ कब तक हमारी पृथ्वी ये सहती रहे। इसीलिए कभी कभी उसे गुस्सा भी आ जाता है, पता चलता है ना हमें उसका गुस्सा, कभी तूफान के रूप में, कभी बाढ़ के रूप में, कभी भूकंप के रूप में और कभी कभी महामारी के रूप में। और हो भी क्यों ना नाराज, अपनी आवश्यकता से अधिक ज़रूरतों को पूरा करने के चक्कर में हमने पृथ्वी के प्राकृतिक रूप को ही नष्ट कर दिया, सारे अधिकार इस्तेमाल कर लिए और अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में तक नहीं सोचा। अरे वो तो हमारे अपने होंगे, उनके लिए क्या छोड़ कर जाएंगे हम इस पृथ्वी पर। कभी पृथ्वी माँ के प्रति हमें अपने कर्तव्यों का बोध ही नहीं हुआ। अरे नहीं नहीं हुआ, हुआ ना, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, ये अच्छा भी है, कम से कम एक दिन तो हम जागृत हो जाते हैं अपनी पृथ्वी के बारे में सोचने के लिए। पर पृथ्वी के एहसानों को उतारने के लिए हर साल सिर्फ एक दिन ही काफ़ी है। कभी आपने सोचा, एक दिन में ही उसकी देखभाल के लिए हम हजारों प्रण ले लेते हैं, ऐसा क्यों? क्या हम एक दिन को उत्साहपूर्वक मनाकर अपनी माँ और पृथ्वी माँ का कर्ज उतार पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके अनगिनत उपकारों के बदले हर दिन हमारे लिए पृथ्वी दिवस और हर दिन हमारे लिए मातृ दिवस होना चाहिए।
पृथ्वी की खूबसूरती बनाए रखने के लिए हर दिन हम एक प्रण लें और उस प्रण पर अमल भी करें। जैसे हम प्रतिदिन एक पौधा लगाएंगे, पौधों की देखभाल करेंगे, मोटर वाहनों का कम प्रयोग करेंगे, पेड़ पौधों को बेवजह नहीं काटेंगे, अपने जीव जंतुओं की रक्षा करेंगे, पॉलीथीन का कभी भी प्रयोग नहीं करेंगे, और हाँ सबसे ज़रूरी बात, अपनी ज़रूरतों को सीमित करेंगे, क्योंकि इन ज़रूरतों की वजह से ही तो इतना प्रदूषण हुआ है जिसमें हमारी पृथ्वी घुट रही है। अभी समय है, हमें जागना होगा और सभी को जगाना भी होगा, तभी काम बनेगा जिससे हम पृथ्वी के अस्तित्व को बचा सकें, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक खूबसूरत जीवन दे सकें, जिससे कि हमें सिर्फ किसी एक दिन लोगों को जागृत करने की ज़रूरत ना पड़े। गांधी जी ने कहा था, पृथ्वी सभी मनुष्यों की ज़रूरत पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लालच पूरा करने के लिए नहीं। इसीलिए दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी, हम पृथ्वी से जो लेते हैं उसे वापस कर देना चाहिए, यही प्रकृति का तरीका है। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।